दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाय दोस्तों, मैं हूं पुष्पन प्रभाकर। देखिए मैं आज निकॉन के D90 कैमरे की सेटिंग के बारे में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज मैं आप लोगों को निकॉन के D90 कैमरे की मैनुअल सेटिंग के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए ये हमारा निकॉन का D90 कैमरा है। इसमें मैनुअल सेटिंग पे कैमरे से कैसे काम होता है वो हम आपको बताएंगे। देखिए तो हम आपको D90 कैमरे से पहले एक फोटो क्लिक करके बताएंगे। देखिए तो हमारी इस तरह की फोटो आ रही है। अब ये फोटो हमारी कैसे आई, इसकी सेटिंग क्या थी, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला बटन है, इस पर मैनुअल लगा लेते हैं। ये देखिए हमारा मैनुअल पे लगा है, क्योंकि अगर हमारा कैमरा ऑटो पे लगा होगा या सुपर पे या किसी भी अलग पे लगा होगा तो इस प्रकार की सेटिंग हमारी नहीं बन पाती है। तो हम इसे पहले मैनुअल पे लगा लेंगे और फिर इसके बाद हम देखिए यहाँ पर इसकी स्पीड लगाते हैं। तो स्पीड हम इसका 125 रखेंगे और अपर्चर है जो हमारा 5.6 रखेंगे, क्योंकि ये सबसे अच्छी क्वालिटी देगा इस पर। तो देखिए हम फिर आपको एक फोटो खींच के बताएंगे। इस तरह की हमारी फोटो आ रही है, देखिए कितनी शानदार फोटो आती है। और इसकी जो सेटिंग है वो आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ इन्फॉर्मेशन। इस तरह की सेटिंग रखना है, जो हमारा मैनुअल पे लगा हुआ है कैमरा 125 स्पीड है, इसका अपर्चर 5.6 है। और हम अब इसे हम मेन्यू पर क्लिक करके सारी सेटिंग आपको बताएंगे। तो देखिए हमारा कैमरा है, इसमें हमारा जो इमेज की क्वालिटी होती है उसे हम JPEG फाइन पर ही रखते हैं। अगर JPEG नॉर्मल पर रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, लेकिन JPEG फाइन पर रखते हैं तो और अच्छी हमारी क्वालिटी बनती है फ़ोटो की। इसके बाद जो हमारी इमेज की साइज होती है उसे हम लार्ज में रखते हैं। लार्ज में हमारी 12.2 mm तक की इसमें फ़ोटो क्लिक होती है। अगर हम मीडियम रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन हमेशा इसे लार्ज पर ही रखें ताकि फ़ोटो फटेगी नहीं, अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो आएगी। और जो हमारा वाइट बैलेंस होता है इसे हम ऑटो रखेंगे तो हमें हर समय मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं, जैसे कि फ्लोरोसेंट, डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट अगर लाइट आ रही है तो डायरेक्ट सनलाइट लगा लेंगे, शाम का टाइम हो तो क्लाउडी लगा देंगे। और हम और भी प्रीसेट मैनुअल पे चला सकते हैं, तो हमें हर समय इसकी सेटिंग मिलाकर ही काम करना पड़ेगा। लेकिन हम ऑटो पे लगा लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर हमारे कलर जो हैं वो अपने आप ही इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। अब आता है इसका कलर स्पेस, जो कि मेन होता है, उसे हम sRGB पर ही सेट रखते हैं। इसके बाद बकाया जो सेटिंग है हमें उससे कोई छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम सेटिंग से छेड़खानी करेंगे तो हमारी फ़ोटो की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इसके बाद आता है जी हमारा कस्टम सेटिंग मेन्यू। तो इसे रीसेट कस्टम सेटिंग नहीं, हम ऑटो फोकस पे क्लिक करते हैं। इससे ये रहता है कि हमारा कैमरा जो होता है कोई सी भी फ़ोटो हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक उस फ़ोटो को फोकस ले लेगा। इसके बाद ये आता है हमारी सेटिंग सेटअप मेनू। तो इसमें ये फॉर्मेट मेमोरी कार्ड है LCD की ब्राइटनेस बनाने के लिए। अगर हमें अपने इमेज का सेंसर क्लीन करना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे, क्लीन नाउ कर देते हैं तो जो हमारी इमेज का सेंसर होता है वो क्लीन हो जाता है। इसके बाद इसमें वीडियो का मोड है, तो जिसकी क्वालिटी अगर लगाना है तो हमारी 720 में लग जाएगी, और 576 में, 1080 में, तो हम वीडियो की क्वालिटी 1080 में ही लगाते हैं ताकि हमारी अच्छी वीडियो आएगी। इस टाइप से सेटिंग रख के हम फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमें किस तरफ से फ़ोटो आती है, हमारी देखिए अच्छी फ़ोटो आएगी। इसके बाद कहीं और सीन की फ़ोटो खींचते हैं, तो देखिए ये फ़ोटो खींची हम, देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो आई है हमारी। इसी तरह से हम निकॉन के D90 कैमरे की मैनुअल सेटिंग को इस प्रकार से ही सेट रखेंगे तो हमारी फ़ोटो की क्वालिटी सबसे अच्छी आएगी।
और हमारी फ़ोटो ब्लर नहीं होगी। धन्यवाद।